दंतेवाड़ा जिले के गीदम थाना क्षेत्र में एक एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हो गया। हादसा इतना जबरदस्त था कि एम्बुलेंस के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। एम्बुलेंस का ड्राइवर भी घायल बताया जा रहा है। जांजगीर जिले में शुक्रवार को पुलिस जवानों से भरी बस को शिवरी नारायण क्षेत्र में ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में 20 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इनमें से 8 महिला सिपाही शामिल हैं। सभी जवान माल खरौदा के मोहतरा गांव में होने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यक्रम में ड्यूटी के लिए जा रहे थे। कोरबा में घरेलू नौकरानी से घूस मांगने वाले पटवारी दामोदर तिवारी को सस्पेंड कर दिया गया है। आरोपी पटवारी ने खेत नामांतरण के लिए महिला से 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। इस संबंध में स्थानीय विधायक ने SDM से जांच के लिए कहा था। बिलासपुर में तेज रफ्तार टेलर ने बाइक सवार 3 युवकों को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना में बाइक सवार का भाई घायल हो गया है। एक अन्य रिश्तेदार को मामूली चोटें आई हैं। हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। बलौदा बाजार जिला अंतर्गत थाना सुहेला के नया पारा में शुक्रवार को एक तेज रफ्तार टेलर ने युवक को रौंद दिया, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने रोड पर चक्का जाम कर दिया। पुलिस ने टेलर ड्राइवर मनोज यादव झारखंड निवासी को गिरफ्तार कर लिया है। वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण के चलते वन विभाग की टीम 2 ग्रामीणों की गिरफ्तारी के लिए मुंगेली गई थी। गिरफ्तारी के दौरान वन विभाग की टीम ने आरोपियों के परिजनों और महिलाओं से मारपीट की, जिससे नाराज ग्रामीण लोरबी पहुंच गए और उन्होंने वन विभाग कार्यालय का भी घेराव कर चक्का जाम कर दिया। कांकेर जिले में नक्सलियों ने एक बार फिर कायरता का परिचय देते हुए IED ब्लास्ट किया है। हादसे में SSP का एक जवान गंभीर रूप से घायल हुआ है। ताड़ुकी थाना क्षेत्र के कोसरुंडा कैंप के पास नक्सलियों ने सर्चिंग पर निकले जवानों पर हमला किया। जसपुर जिले की दुलदुला पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम बमनी से घुमाडांड जाने वाली कच्ची सड़क तरफ से 10 मवेशियों को बेदर्दी से मारते पीटते हाँकते हुए झारखंड प्रांत की ओर ले जा रहे 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जसपुर जिले की तपकरा पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना पर एक ग्रामीण के घर से चोरी हुई मोटरसाइकिल को आरोपी जयराम दास के पास से बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कांकेर जिले के अंतागढ़ मुख्य मार्ग पर सीमेंट से भरा मेटाडोर पलटने से 1 की मौत हो गई है और 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों में 1 की हालत नाजुक बनी हुई है। घायलों को अंतागढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य में भर्ती कराया गया है। सारंगढ़ शहर के फुलझरिया पार में 2 गुटों में आपसी रंजिश के चलते एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के युवाओं पर तलवार से हमला किया। इस मारपीट में एक युवक बुरी तरह घायल हुआ है। पुलिस ने मारपीट के 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। कोरबा जिले के दीपका थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस और साइबर सेल की टीम ने 28,000 रुपए कीमत का 280 लीटर डीजल और 1 बोलेरो को जब्त कर इस मामले में 1 आरोपी को गिरफ्तार किया है। सरगुजा जिले की गांधीनगर पुलिस ने सुभाष नगर मनेंद्रगढ़ रोड से साई मंदिर जाने वाले तिराहे के पास 2 आरोपियों को पकड़कर उनके पास से कुल 1,013 नग नशीला इंजेक्शन के साथ 1725 नग नशीली टेबलेट एल प्रोजेलेम जब्त किया है। इसका बाजार मूल्य लगभग 12,19,000 रुपए बताया गया है। बेमेतरा जिला अस्पताल में महिला नसबंदी को लेकर महिला डॉक्टर एवं स्टाफ की मनमानी रवैये से परेशान मितानिनों ने जिला अस्पताल में हड़ताल कर दी। आप
आबकारी विभाग की टीम की ओर मुखबिर से सूचना मिली कि कॉन्ट्रैक्टर कॉलोनी सुपेला निवासी नंद किशोर उर्फ बल्लू वर्मा अवैध शराब की बिक्री करता है। मौके पर पहुंची टीम ने दबिश देकर उसके घर से 114 नग देसी अंग्रेजी शराब के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। शुक्रवार को स्मृति नगर चौकी प्रभारी युवराज देशमुख के मार्गदर्शन में पेट्रोलिंग टीम ने मॉडल टाउन में सट्टा के खिलाफ धरपकड़ की कार्रवाई कर रिंकू डोंगरे, संदीप राय, राहुल कुमार, रुपेश ठाकुर और खमरिया बाजार चौक से योगेंद्र ठाकुर और खमरिया बाजार चौक निवासी योगेंद्र कुमार कौशिक को पकड़कर 61,600 जब्त किया गया है। धमतरी नगरी मुख्य मार्ग पर ग्राम गोहानाला के पास नगरी की ओर से आ रही तमिलनाडु पासिंग ट्रक चालक द्वारा दुगली की ओर जा रहे साइकिल सवार बांधा निवासी भवन मरकाम को रौंदने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। कांकेर में शुक्रवार शाम सरकारी स्कूल के छात्रों के बीच मारपीट और चाकूबाजी हो गई। दूसरे पक्ष के छात्रों ने 10वीं की क्लास में पढ़ने वाले छात्र को चाकू मार दिया। वह छुट्टी के बाद घर लौट रहा था। हमले के बाद आरोपी वहां से भाग निकले। धमतरी जिले के कुरुत थाना क्षेत्र में नाबालिग बच्ची से रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। एक ऑटो चालक ने 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की मां ने उसकी सूचना थाने में दी। पुलिस ने आरोपी को हवालात में पहुंचा दिया है। रायगढ़ जिले की जूटमिल थाना क्षेत्र में 2 कार्रवाई में 60 लीटर शराब जब्त की गई है। वहीं डोंगरीपाली और पुसौर थाना क्षेत्र में भी अवैध शराब बनाने के ठिकानों पर की गई कार्रवाई, जिससे शराब बनाते पकड़े गए आरोपियों से 33 लीटर शराब की जब्ती हो गई है। बिलासपुर जिले की आबकारी विभाग की टीम ने मकर संक्रांति के दिन 3 अलग अलग ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई की। भारी मात्रा में शराब और लहान को जब्त किया गया। छापामार कार्रवाई में आबकारी टीम ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। गरियाबंद जिले की राजिम पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सुरसा बांधा गांव में ताश पत्ती में हार जीत का खेल खेल रहे 9 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया है। जुआरियों के पास से पुलिस ने 63,000 रूपए नकद जब्त किए है व 7 नग मोबाइल फोन भी जब्त किया गया है। बिलासपुर जिले की कोटा पुलिस ने महिला से छेड़छाड़ और दुकान में लगाए गए सीसीटीवी चोरी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोटा पुलिस के अनुसार प्रार्थी को रिपोर्ट के बाद मात्र 25 घंटे के अंदर ही आरोपियों को धर दबोचा जाएगा। लखनपुर नायब तहसीलदार सूती ध्रुवे के नेतृत्व में राजस्व अमले ने ग्राम कुन्नी डुमर घाट में संतोष यादव व देशराज अग्रवाल के दुकानों से 234 बोरी धान व 145 बोरी पीडीएस चावल जब्त किया है। शुक्रवार को अंबिकापुर की प्रशासनिक टीम के द्वारा दूरस्थ गांव के दुकानों तथा विभिन्न थाना उपार्जन केंद्रों के निरीक्षण के दौरान 1,111 क्विंटल अवैध धान का जब्त किया गया है। अंबिकापुर से स्विफ्ट कार में साप्ताहिक वसूली में सूरजपुर की ओर निकले थोक अनाज व्यापारी मारुति ट्रेडर्स के अंबिकापुर निवासी कर्मचारी मनोज बंसल के शशिपुर पुलिया के पास 17 लाख रुपए से अधिक रकम के साथ रहस्यमय ढंग से गायब हो जाने की शिकायत मिली है। अंबिकापुर से बनारस मार्ग के अजगरा नाले के पास 2 ट्रक में आमने सामने भिड़ंत हो गई। इसमें एक ट्रक चालक नीरज पटेल की मौत हो गई, वहीं गंभीर रूप से घायल खलासी सचिन पटेल को इलाज हेतु सिविल अस्पताल लाकर भर्ती कराया गया है।